लिए सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। आइए सब मिलकर गणेश जी का ध्यान धरते हैं और उनसे विनती करते हैं वो हमारे उत्सव में पधारे और हमारे कार्य को सिद्ध करें। इसके लिए मैं सब भक्तों से एक बार कहना चाहूंगी, अपने हाथों की सेवा देते हुए, हाजिरी लगाते हुए, बोल श्री गणेश जी महाराज की, रिद्धि सिद्धि के दाता की। रन त्रिभुवन से आओ, रण त्रिभुवन से आओ, धीर सिद्धिरा दाता। रण त्रिभुवन से आओ, धीर सिद्धिरा दाता। संकट हारी हो रही थारी, जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारी, जग में जय जयकार। देखिए जब भजन कीर्तन में आके बैठ जाते हैं ना दातार, संकट हारी हो रही थारी, जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारी, जग में जय जयकार। हो रणत भवन से आओ, फिर सिद्धिरा दातार। रणत भवन से
जी महाराज की, रिद्धि सिद्धि के दातार की, बोल श्री रानी सती दादी मैया की। फर्ज तो बनता है कि अगर माँ हमारे पास पधारी है तो हम मैया का स्वागत करें और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दें कि मैया आज आप झुंझुनू से इतनी दूर से चल के हमारे पास पधारी हो। ये हमारा सौभाग्य है जो झुंझुनू से पुरलिया जैसे इतने छोटे से ग्राम में मैया ने हमें दर्शन दिए हैं। तो हम भक्तों के लिए फर्ज बनता है कि हम सब मैया को मिलकर धन्यवाद दें, मैया को रिझाएं, नाचे गाएं। मैं एक बार पूछना चाहूंगी, कौन कौन मैया को रिझाकर नाच के गा के बताना चाहते हैं कि हाँ मैया आप आए हो तो हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। देखिए जिनके जिनके हाथ उठे हैं सब कैमरे में आ गए हैं। अगर उसके बाद किसी ने नाच कर गा के अपनी हाजिरी नहीं लगाई है तो फिर दादी जी सामने बैठी है, मैं कुछ नहीं होती और ना मुझे कुछ बोलना है। ठीक है, एक बार मैया के नाम का जयकारा बोल साचे दरबार की, मोटी सेठानी की, अकेल छत्र राज रानी की जय। सब मिलकर क्या कहेंगे, इम्हार धरा आया धन्यवाद दादी सा। देखिए दादी एक एक के घर में ऐसे तो नहीं जाएगी, लेकिन जो आज हम सब यहाँ मंगल में कीर्तन में बैठे हैं अपने दिल में अपने आंखों में मैया के छवि के लोकर हमारे घर जाएंगे। तो सब मिलकर कहने का बनता है, क्या कहेंगे, थे पुरलिया में आया धन्यवाद दादी सा। अब आ गया हो तो उथारे टापरिया नदी जो के चाहोगा मैया सर, धन दौलत रुपया पैसा जब जावा आपा सोच कर जावा और इबर जावा माँ से यह मांग कर लाऊंगा, माँ बेटो दे दिए, पोतो दे दिए, पिसा दे दिए, धन दे दिए, लेकिन जैया जाकर मैया से नजर मिला कोटि कोटि प्रणाम। सब एक ही माँ बात कहवा कि मैया थिमहना आशीर्वाद दे दियो। तो सब मिलकर आज मैया से एक ही बात मांगूंगा, के कहूंगा थिमहारे घरा आया धन्यवाद दादी सा। मैं चाहूंगी एक एक माता बहने माँ का धन्यवाद प्रकट करें, एक एक छोटी छोटी बहने भाई चाचा जो भी बैठे हैं, अगर मैया सच में जोत स्वरूप पुरलिया आई है और आप लोगों को खुशी है तो सब मिलकर तालियों की सेवा देते हुए बाद में हमारे भैया बजाएंगे और हम गाएंगे, लेकिन अभी मैं सबकी हाजिरी एक बार मैया के सामने लगवाना चाहती हूँ। सब मिलकर क्या कहेंगे, थे पुरलिया में आया धन्यवाद दादी सा, थे पुरुलिया मैं आया धन्यवाद दादी सा, थर टापरिया नदी जो आशीर्वाद दादी सा, थर टापरिया नदी जो आशीर्वाद दादी सा। किसी किसी मैया का आशीर्वाद चाहिए, मुझे तो झोली भर भर कर मैया का आशीर्वाद मिला है और उसका साक्षात प्रमाण है कि आज मेरी पहचान है तो सब जानते हैं कि हाँ ये दादी की बेटी है, ये दादी की सेवक है। अगर सब चाहते हैं कि हाँ दादी माँ अपनी सेवा में उन्हें लगाए तो मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथों की सेवा देते हुए थे पुरुलिया में आया धन्यवाद दादी सा, थे पुरुलिया में आया धन्यवाद दादी सा, हर काबरिया नदी जो आशीर्वाद दादी सा, हर काबरिया नदी जो आशीर्वाद दादी सा, थे पुरुलिया में आया धन्यवाद दादी सा, थे पुरुलिया में आया धन्यवाद दादी सा, हर काबरिया नदी जो आशीर्वाद दादी सा, हर काबरिया नदी जो आशीर्वाद दादी सा। बतावा थे तो अंतरयामी
कर दर्शन करने आया सपरिवार दादी जी, थारा दर्शन करने आया सपरिवार दादी जी। हाथों की सेवा देते हुए क्या कहेंगे सब मिलकर, वो थारे टापरिया ने दीजो आशीर्वाद दादी जी, थारे टापरिया ने दीजो आशीर्वाद दादी जी। आभार है मैया, एक बार मैं सब बहनों से कहना चाहूंगी, जिसे थोड़ी भी शर्म आ रही है अपना घूंघट ऐसे निकाल लीजिए और मैया के दरबार में आके खड़े रह जाइए। और क्या कहेंगे, बहुत ठाट है, मैया ने इतना दे रखा है कि आराम से खाते पीते और सोते हैं, है ना, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है, वो जब जाते हैं सिर्फ मांगने जाते हैं। एक बार अपना अपना पल्ला मैया के सामने करते हुए क्या कहेंगे, पल्लो भर दे मारो पल्लो भर दे, पल्लो भर दे मारो पल्लो भर दे, ओ थारे ओ थारे ओ थारे हर पल्लो भर दे, थारे काटो काटो मावड़ी हर पल्लो भर दे, पल्लो भर दे भवानी पल्लो भर दे, पल्लो भर दे भवानी पल्लो भर दे, ओ थारे ओ थारे ओ थारे काटो काटो मावड़ी हर पल्लो भर दे, थारे काटो काटो मावड़ी हर पल्लो भर दे। साधारण जगह मिल जावे ना बोले वो भक्ति का चोर, बोल साचे दरबार की मैया की कृपा जिस पे हो जाए, मैया की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। मैया की कृपा जिस पे हो जाए, मैया की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। लेले तू नाम लेले मैया का नाम लेले, लेले तू नाम लेले मैया का नाम लेले, लेले तू नाम लेले सुबह और शाम लेले, लेले तू नाम लेले सुबह और शाम लेले।
मैया की कृपा जिस पे हो जाए, मैया की कृपा जिस पे हो जाए, मौजूदाए उसकी तकदीर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो, बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो, मैया दयालु पल में निभाए, मैया दयालु पल में निभाए, मौजूदाए मौजूदाए, मैया की कृपा इस पे हो जाए, मैया की कृपा इस पे हो जाए, मौजूदाए 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 मौजूदाए, मैया के बेटे दुख नहीं पाते, मैया के बेटे दुख नहीं पाते, बनवारी हर दम खुशियाँ मनाते, बनवारी हर दम खुशियाँ मनाते। दादी जी से ज्यादा जल्दी तो दादी के भक्तों को है। हेलो हेलो, दादी तो इंतजार करते करते आई है 40 दिनों के बाद। इस ज्योत यात्रा का प्रथम चरण संपूर्ण होने वाला है। इतने दिनों आपने इंतजार किया कि दादी आएगी पुरलिया के शहर में और दादी जी का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा, लेकिन अब इतनी जल्दी आपको लगी है कि दादी आ तो गई पर दर्शन करने के लिए इंतजार हमसे नहीं होगा। बैठ जाइए, एक बार पूरे लाइन से आइए, सब एक साथ दर्शन करके यहाँ पर एक साथ जगह में आप लोग एडजस्ट नहीं। सदा उजाला वेश सारा पहली सुमरियो, मारा गौरी पुत्र गणेश, नमो नमो माता पिता जिनसे भयो शरीर, नमो नमो गुरु आपको जिन दिया भजन में से, हाथ जोड़ विनती करो सुनियो मेरी माँ, दास आ गयो शरण में, रखियो मारी ला चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश, इन सब से बढ़कर तपे हमारी सतियों का सुप्रभात। बोली रानी सती दादी की, थोड़ा रिवक दीजिए भैया, थोड़ा सा रिवक दीजिए, थोड़ा मीट दीजिए वंदना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज दादी जी का ये दरबार दिव्य ज्योत के कारण पूरे इस दरबार के नहीं, पूरे आपके शहर के सारे अंधकार दादी ने इस ज्योत के माध्यम से दूर कर दिए हैं। आइए सभी मिलकर इसके श्री चरणों में मातेश्वरी की वंदना झूम कर करते हैं एक साथ। हे भवानी सदा तेरी रखना कृपा, तेरे चरणों से करना कभी ना जुदा, तेरे चरणों से करना कभी ना जुदा, सर्व सुखदायिनी मैया वरदायिनी
सर्व सुख दायिनी मैया वरदायिनी हे मां नारायणी तू ही जगतारिणी। आइए कौन कौन सेवा करेंगे, दादी की जोत आई है, कौन कौन सेवा करेंगे, सभी मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हुए तालियां बजाकर एक साथ, एक दो तीन चार। हेलो हेलो सर्व सुख दायिनी मैया वरदायिनी, सर्व सुख दायिनी मैया वरदायिनी, हे मां नारायणी तू ही जगतारिणी, हे मां नारायणी तू ही जगतारिणी, सर्व सुख दायिनी मैया वरदायिनी, सर्व सुख दायिनी मैया वरदायिनी, हे मां नारायणी तू ही जगतारिणी, हे मां नारायणी तू ही जगतारिणी। पहले आप लोग जोत ले लीजिए, बाद में दादी को भजन सुना बंद कर दो। धर्मशाला में 12 तक आवाज करूंगी, पछे क्या बैठी बताओ, इन्हें लागण चाहिए जी का खड़े है कि हाँ थामे ज्यादा जोर है जी का नीचे बैठे है। बोलिए रानी सती दादी की। हाँ अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अरे जितनी देर बैठे हो कम से कम तालियों की सेवा बजा लो एक बार, एक दो तीन चार। हे भवानी सदा तेरी रखना कृपा, हे भवानी सदा तेरी रखना कृपा है, तेरे चरणों से करना कभी ना जुदा, तेरे चरणों। अब आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ, ये जोत यात्रा 3 मार्च को शुरू हुई और आज आपके शहर में आई है। जहां जहां दादी जी की जोत गई है ना, जिन भक्तों ने यूट्यूब में फेसबुक में इस दादी की जोत यात्रा का दर्शन किया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जिस स्थान पर गई उस स्थान के भक्तों ने दादी जी का स्वागत इतने धूमधाम से किया कि एहसास ही नहीं हुआ कि दादी की जोत झुंझुनू से चलकर आई, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी दादी निकल कर आई। तो वो भावना और वो प्रेम जब तक आप यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, जब तक आपका दिल दादी के चरणों से नहीं जुड़ेगा, तब तक आपको आनंद भी नहीं आएगा और इस जोत के दर्शन को कर कर फायदा भी नहीं होगा। आइए एक बार दोनों हाथ खोलकर वो भाव से गाइए ना एक साथ, वो प्रेम लेकर आइए, वो प्रेम की तालियां बजाकर, एक एक दो तीन चार। हाथ रख दे अगर तू सुहागन के सर, हाथ इतना अच्छा गा रहे, बोलिए फिर भी शर्मा रहे, कहीं बाहर से आए हो क्या, पुरलिया के ही हो ना हैं? सारे पुरलिया में दादी आई है, सेवा आपको करनी है, किसी दूसरे का चेहरा देख के क्या करना है, गाइए एक बार। हाथ रख दे अगर तू सुहागन के सर, हाथ तो सुहागन का सिंदूर होता अमर, तो सुहागन का सिंदूर होता अमर। अब बोलिए प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मोटी से ठाणी मेरी कुल धनियाणी, जगदम्बा रानी धोरा के धिराणी, माँ अमर सुहागन मैया वरदानी। जो लाइन में खड़े ना उनका समय नहीं बीतता, जो लाइन में खड़े होते हैं उनका समय नहीं बीतता, इंतजार करते हैं। अगर बैठकर सेवा करके फिर लाइन लगाओ
जब खाली हो जाएगी तो समय भी बीत जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। चलिए जितने एक बार खड़े हैं वो जरा तालियां बजाकर अपना समय बिता लें एक साथ सेवा करते हुए। एक दो तीन चार। चौखट पे निकले मेरे प्राण ये तेरे, चौखट पे निकले मेरे प्राण रे। सर्व सुखदायिनी मैया वरदायिनी, सर्व सुखदायिनी मैया वरदायिनी। हे मा नारायणी तू ही जगतारिणी, हे मा नारायणी तू ही जगतारिणी। एक हाथ दादी के लिए दूसरा अपना परिवार के लिए। चाहते हैं ना आपके परिवार को भी दादी का आशीर्वाद मिले, तो जो लोग नहीं आए उनके लिए आशीर्वाद तो लेके जाना होगा। तो दादी का हाथ और परिवार का हाथ एक साथ मिलाकर तालियां बजाओ। एक दो तीन चार। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। कैसी लगन? लगन तुमसे लगा बोलो सारे बोलो, बीच बीच में धीरे हो जाओ, चोरू बोलो चोरू, बीच बीच में धीरे बोलने लग जाओ। अरे कोई चीज को डर लगे के? दादी बोलने में डर लगे नहीं, तो अगर डर नहीं लगे तो जोर से बोलो, जोर से बोलो सारे बोलो। मोटी से ठाणी मेरी कुल धनियाणी जगदम्बा रानी, माँ अमर सुहागण मैया वरदानी, माँ कुल कल्याणी मोटी से ठाणी, झुंझुनू की रानी महाराज रानी। सब मिलकर बोलो जरा प्यार से बोलो।
जल्दी जवाब दीजिए, दादी की जोत कहाँ से आई है? कहाँ से? कलकत्ते से, पुरलिया से, टाटा से, पटना से? अरे तो आवाज ही नहीं आ रही, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग क्या बोल रहे हैं? अरे थोड़ो जोर बोलो, इतने भगत बैठे एक साथ बोलिए कहाँ से? हाँ कहाँ आई है, किस लिए आई है? हैं? ये हमारी भाभी ना जब शुरू में भजन गा रही थी ऐसा लग रहा था आपसे लड़ाई कर रही है, आपको बोले जबरदस्ती गा गा गानों पड़सी गा। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इतने मगन होकर इन्होंने आपको कहा कि गानों पड़सी। क्यों गानों पड़सी मालूम है? क्योंकि अगर थे गाओगा तो फायदो खाने होगा, और मैं गावा तो फायदो। तो अगर मैंने भी सोचा कि थारो फायदो करावा, दुनिया में कोई सो आदमी है जो आपको फायदो छोड़कर थारो करावे? केवल एक ही जगह यो है कटे दादी के दरबार में, और अच्छा अगर छूट जाओगा तो फिर कटे ही को नहीं पाओगा। आइए एक बार सेवा करिए, एक दो तीन चार। से जोत आई और पुरलिया के भक्तों के लिए आई। दादी ने भेजा समाचार है, बोलिए दादी ने भेजा समाचार है। दादी ने भेजा समाचार है, दादी ने भेजा समाचार है, झुंझुनू से आया मां का प्यार है। दादी ने भेजा समाचार है, झुंझुनू से आया माँ का प्यार है। किसके लिए आया? किसके लिए? आपके लिए आया? आपके लिए नहीं आया, आपके लिए आया। तो जिसके लिए आया उसको तो जोर से बोलना चाहिए कि नहीं? दादी ने भेजा समाचार है, दादी ने झुंझुनू से आया माँ का प्यार है। बोलो झुंझुनू से आया माँ का प्यार है। इतने दिनों तक इंतजार किया, इतने दिनों तक इंतजार किया, अब लगाया माँ ने दरबार है। झुंझुनू से हाँ दादी ने भेजा समाचार, आ गया प्यार आ गया। अब किसे चाहिए माँ का प्यार? जिसे प्यार चाहिए इस पूरी ज्योत यात्रा में बहुत लोगों ने लूटा है। अब पुरलिया की बारी आई है, अगर घर में ऐसे ही चले जाओगे तो बड़ा मन में दुख होगा कि दादी आई भी और वापस भी चले गया, कुछ हाथ भी कौन लागे? क्यों कौन लागे? क्योंकि मन कटी और है और दादी अटे है। अगर मन अटे होए और दादी भी अटे होए तो सब कुछ मिलेगा। एक बार दोनों हाथ खोलकर जिन्हें माँ का प्यार चाहिए एक साथ तालियां बजा के, एक दो तीन चार। जिसके दर्शन को अखियां तरसी है, जिसके दर्शन को अखियां, ओ दादी ने सुन ली अब वो अर्जी है। जिनके दर्शन को अखियां तरसी है, दादी ने सुन ली अब वो अर्जी है। और देखिए दादी ने अगर अर्जी सुन ली तो क्या हो गया? सपना हुआ अब साकार है, सपना हुआ अब साकार है। दादी ने भेजा समाचार है, सपना हुआ अब साकार है, दादी ने भेजा समाचार है।
ये रानी सती दादी की, बोले खंड ज्योत की, बोले झुंझुनू की राज रानी की। बरसों तक तेरी राह निहारी है, बरसों तक तेरी राह निहारी है, अब जाकर कर ली माने तैयारी है। बरसों तक तेरी राह निहारी है, अब जाकर कर ली माने तैयारी है। कर ना सकी वो इंतजार है, कर ना सकी वो इंतजार है। झुंझुनू से आया माँ का क्या आया, क्या आया, जोर से बोलिए क्या आया। बोल रानी सती दादी की, बोल साचे दरबार की, बोल मोटी से ठाणी की, बोल अटल छत्र महारानी की, बोल झुंझुनू की राज रानी की। और ये प्यार आपके लिए इसलिए आया क्योंकि दादी को ये पता है कि आप सब उनके संतान हैं, और जो दादी जी की संतान हैं उनको दादी हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आती है और हमेशा अपने गले से लगाती है। इसीलिए दादी भक्त हमेशा इस बात को दिल खोल कर कहता है, अरे अपना तो दादी से ऐसा नाता है। बोलिए अपना रिश्ता हमको याद आता है, ओ माँ बेटी का रिश्ता हमको याद आता है। दूर तेरे चरणों से रहा न जाता है, दूर तेरे चरणों से रहा न जाता है, बस तेरी सेवा करके हमको चैन आता है, ओ तेरी सेवा करके हमको चैन आता है। आइए, जिसे दादी की सेवा करके चैन आता है, मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा सारे मिलकर एक साथ गाएं, अपने मन की बात आज दादी के श्री चरणों में रखें और मिलकर एक साथ गाएं। एक दो मीठा बजाना चार। बस यही तो आवाज चाहिए, इतनी देरी से इंतजार कर रहा था कभी आवाज आ जाए। एक बार पूरे जोश में बोलिए, अरे अपना तो दादी से ऐसा नाता है, माँ बेटी का रिश्ता हमको याद, ओ माँ बेटी का रिश्ता हमको याद आता है। तेरी सेवा करके हमको गाइए गाइए, तेरी सेवा चैन आता है। जब कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, एक बार दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करके मेरी माँ के सामने एक बार अपने दिल की बात कह देना, दादी तू मेरी माँ है और हम तेरे बच्चे हैं। आज हमारी ये मुसीबत केवल तुम टाल सकती हो। एक बार अगर आपने दिल से कह दिया ना, मैं दावा करता हूँ, हर दादी भक्त इस बात का दावा करता है कि जब आपने आंखें बंद करके मन से फरियाद कर दी तो आपकी वो मुसीबत पल भर में दूर हो जाएगी। आइए एक बार इस भरोसे के साथ दोनों हाथों को खोलकर तालियां बजाकर माँ के नाम की सेवा, एक दो तीन चार। पुकारा पाया सहारा, बोली जब भी पुकारा
सदियों पुराना रिश्ता हमारा, सदियों पुराना रिश्ता हमारा, तेरी दया से चले घर ये हमारा, तेरी दया से चले घर ये हमारा। अगर आपका घर दादी की दया से चलता तो एक बार इस लाइन को बोलने में शर्म क्यों करते हो? क्यों करते हो सर? मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इस दादी की दया से, डंके की चोट पर कहता हूँ। एक बार वो भावना से कहो एक साथ, ओ तेरी दया से चले घर ये हमारा, तेरी घर ये जन्मों का ये रिश्ता असर दिखाता है, जन्मों का जिसने दिल से सुना उसी ने गाया। ये हमारे आगे जितनी बहने बैठी है ना, माता है, इन सबने दिल से सुना। ये सामने वाले पीछे वाले क्या सोचते कि पीछे है, किसी की नजर तो जाती नहीं, गाएंगे नहीं। लेकिन इस दरबार के अंदर कोई कहीं भी खड़ा है, कहीं भी बैठा है, सबकी नजर से बचा हुआ है, एकमात्र दादी की नजर से नहीं बचा हुआ। जहां बैठे हो वहीं से सेवा करो, वहीं से बोलो, एक बार दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, मन से बोलो, एक साथ बोलो, ओ तेरी सेवा करके हम, ओ तेरी सेवा, अरे अपना तो दादी से ऐसा नाता है, अरे माँ बेटी का रिश्ता हमको याद आता है, दूर तेरे चरणों से रहा न जाता है, दूर तेरे बस तेरी सेवा, ओ तेरी सेवा। कौन सी सेवा? हाथ बांध कर बैठने वाली कौन सी, कौन सी सेवा? ताली बजाकर दादी की सेवा करने वाली, दोनों हाथों से एक साथ, एक दो तीन चार। दरबार में केवल नजरें दादी पर जब जाती है तो बाकी सारी चीजें बेकार लगती है। चांद और सितारे, फूल और बहारे, चांद और सितारे, फूल और बहारे, फीके लगे हैं सारे नजारे, फीके लगे हैं सारे नजारे, तेरी ही पूजा, तेरा ही वंदन, तेरी ही पूजा, तेरा ही वंदन, ओ लगने लगे हैं अब हमको प्यारे, लगने लगे हैं अब हमको प्यारे। किसे दादी की पूजा और वंदना अच्छी लगती है? जिनको अच्छी लगती है वो कहीं भी खड़े हो जाए, कितना भी धक्का लग जाए, लेकिन वो सेवा करने में बाकी नहीं रहते। हाँ देखिए, कई माताएं बहने एकदम ऐसे खड़ी है लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे हाथ बांध के, मतलब कैसे भी परिस्थिति में रहो लेकिन एक ही काम करना है, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, जरा प्यार से बोलो, मोटी से ठाणी मेरी कुल धनियाणी, जगदम्बा रानी धोरा की धिराणी, माँ अमर सुहागण मैया वरदानी, तेरी ही पूजा, तेरा ही वंदन, तेरी ही पूजा, तेरा ही वंदन, लगने लगे हैं अब हमको प्यारे, लगने लगे हैं अब
हमको प्यारे भक्ति में मन मेरा डूब जाता है भक्ति में मेरा डूब जाता है तेरी सेवा करके हमको ओ तेरी सेवा करके हमको चैन आता अरे अपना तो दादी का नाम जितना सुंदर है उतनी अच्छी वाली तालियां अगर दादी भक्त बजाते हैं तो सचमुच ये पूरा वातावरण मंगलमय हो जाएगा। एक बार तालियां बजा के एक साथ बोलिए दादी मंगलम दादी नाम मंगलम दादी मंगलम दादी नाम मंगलम अरे दादी मंगलम दादी नाम मंगलम बोलो दादी मंगलम दादी नाम मंगलम अरे झुंझुनू को प्यारो प्यारो धाम मंगलम दादी नाम मंगलम झुंझुनू को प्यारो प्यारो धाम मंगलम दादी नाम मंगलम दादी मंगलम दादी नाम मंगलम दादी मंगलम दादी नाम मंगलम अरे झुंझुनू को प्यारो प्यारो धाम मंगलम दादी नाम मंगलम ओ दादी जी को सत्य स्वरूप मंगलम बोलो दादी को सत्य स्वरूप मंगलम ओ दादी जी को सत्य स्वरूप मंगलम दादी जी को सत्य स्वरूप मंगलम अरे दादी जाप अगम अनूप मंगलम दादी जाप अनूप अनूप मंगलम बोलो बोलो दादी मंगलम एक साथ दादी अरे झुंझुनू को प्यारो प्यारो दादी नाम मंगलम दादी नाम मंगल है आपकी तालियां भी मंगल करती है। अच्छा संजय भैया अरे भाई बात हो रही है ये आगे वाला खाली गा रहा है और पीछे वाला खाली मुंह चला रहा है। अच्छा मैं इसलिए दो चार बार आर देखियो ला रहा हूँ खाली मुंह हिला रहा है तो क्या करना चाहिए अब का ही बोला नहीं बताओ क्या करना चाहिए बताओगे तो आगे वाला गावेगा पीछे वाला नाचेगा कुछ तो करेगा आओ एक बार सामने वाले तालियां बजा के एक साथ दादी मंगलम जोर से गाइए दादी मंगलम दादी नाम मंगलम अरे झुंझुनू को प्यारो प्यारो धाम मंगलम दादी नाम मंगलम बोल रानी सती दादी भी बोल मोटी से जाने की ओ मेरे घर के कोने कोने में दादी का पहरा रहता है मेरे घर के कोने अब डरने की कोई बात नहीं अब मेरा दिल हर दम कहता है मेरे घर के कोने कोने में दादी का पहरा रहता है मेरे घर के कोने कोने दादी का पहरा रहता है मुझे पता है आज मैं पूछूंगा किसके घर में दादी का पहरा रहता है सब हाथ उठा ले इसलिए मैंने ये बात पूछी नहीं आपसे मुझे पता है दादी का पहरा आपके घर में तभी आप इतने सुख से बैठे हुए तभी आप इतना आनंद ले रहे और ये पहरा तब तक रहेगा जब तक आप सेवा करते रहोगे कि जिस दिन सेवा आपने छोड़ दी जिस दिन आपने दादी का नाम लेना छोड़ दिया क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखो तो एक बार और भावना वाली तालियां एक दो तीन चार
इन आंखों में अब आग भर, इन आंखों में दादी का मुखड़ा, दादी का कैसा मुखड़ा, कैसा मुखड़ा रहता है, बिना तालियां वाला मुखड़ा या थोड़ा जोश वाला, या दादी नाम वाला या दादी मंगलम वाला, कैसा मुखड़ा, दादी मंगलम वाला मुखड़ा, एक बार दोनों हाथ से तालियां बजाकर अब आग पहर इन आंखों में दादी का मुखड़ा लगता है, घर के कोने कोने में दादी का पहरा रहता है, मेरे घर के कोने कोने में दादी का पहरा रहता है, अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, मेरा दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, बोलिए बोलिए क्या कहता है आपका दिल दादी के लिए, कुछ तो कहता होगा, प्रेम से बोलो दादी की, सारे बोलो दादी, जरा जोर से बोलो दादी, मोटी से ठाणी दादी, मोटी से ठाणी दादी की, ये दादी आज राजगढ़िया धर्मशाला में बैठी है, आप चाहते हैं ना दादी आपके मन मंदिर में बैठ जाए, कौन कौन चाहते हैं दादी आपके मन के मंदिर में बैठ जाए, तो एक बार हाथ पूरा मत उठाइए, आधा हाथ उठाकर एक बार ऐसे मंदिर बना लीजिए, आधा हाथ उठाइए दोनों हाथों को जोड़कर एक बार मंदिर बनाकर, और ये दादी की मूरत को अपने हृदय में बैठाकर ऐसी तालियां बजाइए कि दादी आपका दिल छोड़कर कहीं ना जा सके, 1 2 3 4 वालों को भी देखा जाए, जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो, सोनू भाई उल्टी बात बोले, पीछे वाले की आवाज इनसे ज्यादा तेज है जी, मैं सच में चलो बुलवाओ, एक बार खाली पीछे वाले, हाँ चलो जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो, जोर से बोलो, तो आ गई मैया, सब दर्शन कर लो, भंडारे भर लो, माँ झोलियां भरती, माँ अमर सुहागन, मैया वरदानी, झुंझुनू की रानी, मोटी से ठाणी, माँ कुलधनियाणी, जगदम्बा रानी, धोरा की धीरानी, मेरे घर के कोने कोने में दादी का पहरा रहता है, मेरे घर के लारों आवाज को ही आ रही है, अब डरने की कोई बात नहीं, अब मेरा दिल हर दम कहता है, मेरे घर के कोने में दादी का पहरा रहता है, मेरे घर के कोने कोने में दादी का पहरा रहता है, जब दुखड़े घर में आते हैं दुख दादी को भी लगता है, जब दुखड़े घर में आते हैं दुख दादी को भी लगता है, ओ जब दुखड़े घर में आते हैं दुख दादी को भी होता है, जब दुखड़े की भी ना देर करे, देर करेंगे दादी,
देवे कि कौन देवे, सब ऐसे चिंता में पड़ जाते, सोचने लगते जवाब क्या दूं, देवे कि कौन देवे, ज्यादा कुछ नहीं। अपने पूरे जीवन के इतिहास में जितनी उम्र आपकी हुई है उतनी उम्र में एक बार इस बात को मन में सोच कर देखिए कि दादी जी ने इस पूरे आपके जीवन में कभी ऐसा काम किया क्या, जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आज दादी नहीं होती तो मेरा ये काम भी, अगर एक बार भी आपको एहसास हुआ तो एक बार आज इस दिव्य ज्योत के लिए दोनों हाथों से दादी को थैंक यू बोलते हुए तालियां बजाना एक साथ, एक दो। जब टुकड़े घर में आते हैं दुख दादी को भी होता है, जब टुकड़े घर में आते हैं दुख दादी को भी होता है, पल भर की भी ना देर करे दुख को छोटा कर देती है, पल भर की भी ना देर करे दुख को छोटा कर देती है, अब आठ पहर इन आंखों में दादी का भूल गया मेरे घर के, भूल गया भूल गया, गारे गारे भाई, भाई मेरे घर के क्या बात है। अब आपको जरूरी बातें बताता हूँ, तालियां बजाइए एक दो तीन चार, अब जरूरी बातें सुनिए। ये दिव्य ज्योत दादी जी की जब निकली तो दादी जी के आशीर्वाद से इस सेवा का अवसर मुझे मिला, ऐसी सेवा कि सारी दुनिया जिसके दर पर आकर शीश झुकाती है, सारी दुनिया जिसके दर पर आकर शीश झुकाती है वही दादी मुझको अपनी गोदी में बिठाती है। ये कब होता है, जब आपके मन में ऐसी भावना हो जाए कि दादी जो कुछ है सब तेरा है, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोय, मेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो बोल सती दादी की, बस एक बार उस भावना वाली तालियां एक दा एक एक दो तीन चार। देर न करो न करो इंतजार, देर न करो न करो इंतजार, दादी जी के चरणों से कर लो तुम प्यार, दादी जी के चरणों से कर लो तुम प्यार, देर न करो न करो इंतजार, दादी जी के चरणों से कर लो तुम प्यार। अब आपको क्या बोलना है, खुला हुआ है ये तो केवल आगे वाला बोले, हमारी दादी भी माने जब लेकर गई ना तो भाभी बोली बेटा दादी जी का धोखे लगा ले, और मैं भी जब मारा पोता पोती ने लेके जाऊंगा तो यही बोलांगा दादी जी के धोखे लगा ले, तो चाहे कोई भी पीढ़ी आ जाए लेकिन ये बात पक्की रहेगी क्या, खुला हुआ है ये आवाज तो राजगढ़िया धर्मशाला में ही रह गई, एक बार आवाज पुरलिया तक गूंजनी चाहिए, खुला हुआ है पुरलिया में आ गई, यहां से डायरेक्ट ट्रेन है क्या झुंझुनू की है, कोनी जयपुर तक की है तो चलो जयपुर तक एक बार, अरे खुला हुआ है, खुला हुआ है, सबकी बार झुंझुनू जानी चाहिए, खुला हुआ है, खुला हुआ है, ओ झुंझुनू वाली का द्वार, झुंझुनू वाली का द्वार, झुंझुनू वाली का द्वार, झुंझुनू वाली का द्वार, बोलो देर न करो तक खुला रहेगा।
हम जाते रहेंगे और मांग कर लाते रहेंगे। तो मांगने वाले एक बार, मांगने वाले हाथ दादी के सामने, तालियां बजाकर सेवा करके एक दो तीन दो। इतना डिस्टरबेंस है, मैं नाचने लगता हूं मगन होकर, पीछे से कोई आकर धक्को देकर चले जाए। थोड़ी सी मारी लौ लागे दादी से कि दादी अब तो नाचने दे, इतना ही कोई पीछे से धक्को देकर चले जाए। मतलब धक्का खाते खाते कभी इधर जा रहा हूं कभी इधर जा रहा हूं। और आप लोग भी ऐसे चुपचाप बैठ कर देख रहे, अरे लौ लगाओ ना दादी से एक बार, एक दो धक्को लगाया। युगों युगों तक अमर रहेगी दादी जी की कहानी। बोलिए युगों युगों तक अमर रहेगी दादी जी की कहानी। एक दो तीन चार खुला हुआ है। अब की बार ऐसे नहीं, मैं चार बोलूंगा आपको हाथ उठाना है। एक दो तीन चार खुला हुआ है। अरे तालियां नहीं, एक एकदम हाथ ऐसे सीधे उठाइए ना, समर्पण कर दीजिए एक बार अपने दिल को पूरा दादी के चरणों में जोड़कर। एक दो तीन चार खुला हुआ है। मंजिल खुद चल कर आएगी जिसने मन में ठानी। मंजिल खुद चल कर आएगी जिसने मन में ठानी। अब बोलिए एक दो खुला हुआ है।
झुंझनवाड़ी का तार सेठानी का ये दरबार। अरे किसी नगर सेठ का नहीं है ये, जगत सेठानी का दरबार है। अगर इसमें जितनी सच्चाई उतनी जोर से बोलना है एक साथ। सेठानी का ये दरबार, सेठानी का ये दरबार, लुटा रही सब पे भंडार, लुटा रही सब पे भंडार। अच्छा पुराने जमाने में दादी जी लोग पैसे कहाँ रखती थी, जल्दी बोलिए, पैसे कहाँ रखती थी? पल्ले में, पल्ले में गांठ मार कर ना। और दादी कहीं जाता, दादी लेमन जूस खानी है पीसा दे दे, दादी के बोलती रुक जा बेटा पल्ले में से खोली बोली ले एक पीसो ले जा, ले जाके खा के आ जा। आज दादी जी एक पीसो खाना देते हुए तो क्या करोगा, पेट भर जाओगे के? अरे कोनी भरे, अरे मावड़ी का हाथ से एक पीसो आ गया मतलब वो करोड़ों रुपया का बराबर है। बोल रानी सती दादी की, सेठानी का ये दरबार, सेठानी का ये दरबार, अरे लुटा रही सब पे भंडार, लुटा रही सब पे भंडार। के काट खुली है पल्ले की, काट खुली है पल्ले की, बस हो जाओ सारे तैयार, हो जाओ सारे तैयार। इतना दिया मुझे इतना, एक बार और, इतना दिया मुझे, एक साथ, इतना ना दिया मुझे कि मेरे दिल बदल गए, इतना दिया मुझे कि मेरे दिल बदल गए। भजने 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 लगा तुझे, वो भजने लगा तुझे। कैसे 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 बजते हैं आप लोग, दादी का नाम कैसे लेते हैं, तालियां बजा के ना एक बार इस पूरे प्रांगण में, किसी ढोल तबले की आवाज ज्यादा नहीं, केवल आपकी तालियों की आवाज जो मन से बजता है। वन वन टू थ्री गो, और जोर से, और जोर से, वाले भी, और जोर से। अरे भजने लगा तुझे, भजने लगा तुझे, भजने लगा तुझे कि मेरे दिन बदल गए, भजने की खबर नहीं रहती, कहीं भी खड़े उनका मन दादी में लगा हुआ है और हाथों से तालियां केवल दादी की सेवा में बज रही है। ये एक दो तीन चार, जिसे जितना प्यार मिला है और उधार में प्यार लेकर आए हैं तो चुपचाप रह जाइए। दादी जी का प्यार मिला, ये इनकी गोद में पलने लगा, इनकी गोद में पलने लगा। अरे हाथ थाम
हाथ थाम मेरे पास खड़ी, अब जो भी मांगूं भेज रही, जो भी मांगूं भेज रही। अरे कुछ ना कमी करे, कुछ ना कमी करे, जोर से कुछ ना कमी करे के मेरे दिल बदल गए, कुछ ना कमी करे के मेरे दिल बदल गए। ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा मुझे, किसे ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा मुझे, अरे ऐसा लगा मुझे के मेरे बता देना दुनिया वालों को कि मावड़ी खैरो दियो खाऊं हूं और तेरी हाजिरी रोज बजाऊं हूं। दोनों हाथों को खोल कर सेवा, एक दो तीन चार। सबके भंडार सबके भंडार, गांठ खुली है पल्ले की, गांठ खुली है पल्ले की, हो जाओ सारे तैयार, हो जाओ सारे तैयार। अरे इनसे लगा लगन बोले, इनसे इनसे लगा ये कोशिश कैसी लगी? आपको दादी के चरणों के करीब लेकर आई या नहीं आई? किसे किसे लेकर आ गई? लेकर आ गई, बस यही तो रानी सती फाउंडेशन का उद्देश्य है। इसीलिए तो ज्योत यात्रा निकली है, इसीलिए दिव्य ज्योत आपके शहर में आई है। अगर दादी भक्तों को इतना जल्दी दादी के करीब लेकर आया जाए और उसके बाद पता चले अभी तक भादी अमावस में झुंझुनू जाते तो 5 लाख लोग जाते थे, और अब जब दादी की ज्योत यात्रा आपको घर से बुला कर लेकर जा रही है तो अब की बार भादी अमावस में कितनी होनी चाहिए? कितनी? 10, 20? मैं कहता हूँ 5 की सीधी 50 होनी चाहिए कि नहीं? 5 की सीधी 50 लाख होनी चाहिए। तो एक बार पूरे लंबे जयकार एक साथ बोल, रानी सती दादी की, बोल मोटी सेठानी की, बोल अटल छत्र महारानी की। बस यही उद्देश्य, और ये उद्देश्य अगर एक जगह से दादी के 10 भक्त जाते हैं तो समझ लीजिए हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब रानी सती फाउंडेशन का उद्देश्य तो पूरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपका उत्साह है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दादी जी हमारे ऊपर असीम कृपा बरसाने वाली है। और आज दुनिया में हर जगह नहीं लेकिन आने वाले समय में हर जगह होगा। ऐलान कर रहा हूँ, डंके की चोट पर मंदिर बनेगा दादी का, हर एक हर एक। आइए देखे कौन है, गुरु जी आके खड़े हो गए, बोले रुक जा। कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, सुन लीजिए। आप इतनी देर तो आप लोग भजन में मगन हो गए। हाँ, हमारे सोनू भाई, हेलो हेलो हेलो,
बोल बोल सोना भाई जल्दी बोल। श्री रानी सती फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है, ये बार बार कहा जा रहा है। अच्छा आप लोग में से यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से किसको किसको मालूम है कि दादी की जोत कब निकली थी? किसी को मालूम है दादी की जोत 3 तारीख को निकली थी और कहाँ कहाँ गई थी ये मालूम है? ये भी नहीं मालूम है। मालूम है अब आगे कहाँ जाएगी ये मालूम है? अच्छा अच्छा दादी के जोत फेसबुक जोत पेज से कौन कौन जुड़ा हुआ है? नहीं मालूम। दादी का एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है जोत यात्रा का, आपको खाली जोत यात्रा टाइप करना है और वो पेज आ जाएगा। संजय शर्मा जोत यात्रा लिखने से भी आ जाएगा। अच्छा आप जुड़े हुए हैं लेकिन पीछे वाले कई लोग नहीं जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़ना चाहता है दादी के फेसबुक पेज से? बस इतना ही है पुरुलिया में। फिर भी चलिए बता देते हैं, जोत यात्रा टाइप कीजिए, फेसबुक पेज से जुड़िए, दादी के पेज को लाइक कीजिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे कि दादी की जोत कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस तरह से दादी भक्तों ने दादी की जोत का स्वागत किया, पुरुलिया के भक्तों ने किस तरह दादी की जोत का स्वागत किया, इसका भी लाइव सीधा आपको देखने मिलेगा। और YouTube चैनल में भी आप जोत यात्रा टाइप कीजिए, जिसके अंदर में अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं दादी के, YouTube चैनल में केवल जोत यात्रा टाइप करना है, जितने कार्यक्रम हुए हैं वो सब देखने मिलेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस फेसबुक पेज से जुड़िए, दादी के पेज को लाइक कीजिए और एक बड़ा जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए रानी सती दादी की, रानी सती दादी की, रानी सती दादी की। पिंकू भाई जल्दी नाव चिन्ह आ गया, वो एक बार हाथ उठाकर दिखाएं, ऐसे मोड़ कर फोल्ड मत कीजिए, ऐसे फैला के दिखाइए। जिसके हाथ में आ गया दादी जी को, दादी जी पूरा ऊपर उठा के दिखाइए, जिसके जिसके हाथ में है दोनों हाथों को ऊपर करके दिखाइए। हाँ ये बात सीधी सीधी सीधे करके, उल्टा नहीं सीधा करके भाई, इनको मिला नहीं है ये तो इनके पास है, उठा लीजिए ना जिनको जिनको मिला है। एक बार देखिए दादी जी अपने परचम को लहराने के लिए भारतवर्ष में निकल पड़ी है। दादी जी के नाम का परचम लहराने के लिए दादी की सेना तैयार है कि नहीं? दादी की सेना तैयार है कि नहीं? सारे तैयार है, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आज आपको नाचने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज नाचने के लिए बोलने से पता चलेगा हम लोग गेट के बाहर आप लोग यहाँ नाच रहे हैं, इसलिए इतनी भीड़ में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, हाथों को उठाकर जरूर दादी की चुनरी दादी की ध्वजा की तरह लहराते हुए बोलिए दादी के जयकार से, पंथ के उच्चार से, दादी के जयकार से, पंथ के उच्चार से गूंजेगी अब हर गली, दादी जी की सेना गली। दोनों हाथ उठा के बोलिए एक साथ।
शक्ति है दुनिया को बदलेंगे, दुनिया को बदलेंगे। मन में विश्वास है दादी का साथ है, मन में विश्वास है दादी करेगी फर, दादी जी की सेना फाउंडेशन की औपचारिक बातें जो कि हर जगह हर स्थान पर आप सभी दादी भक्तों के लिए आवश्यक है। आप सभी बैठ जाएं, जो भी खड़े एक बार बैठ जाइए, उसके बाद दादी जी को झूम कर नाच कर धमाल में एक साथ दादी को चुनरी उड़ाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि दादी को जिसने चुनरी उड़ाई उसके सारे संकट दादी ने टाल दिए। हमारे सामने हमारी एक चाची बैठी है, उन्होंने अभी बताया कि दादी जी के तीन चुनरी चढ़ाई और उनके मतलब चाचा जी की तबीयत खराब थी, लेकिन जब एक बार गांठ मार दी तो दादी के आशीर्वाद से वो गांठ ऐसी लगी कि दादी ने अपने आप चमत्कार से उसे ठीक कर दिया। बोल रानी सती दादी की। आइए मैं श्री रानी सती फाउंडेशन कलकत्ता श्री दादी जी की दिव्य ज्योत को लेकर भारत भ्रमण के लिए 3 मार्च को अपनी यात्रा रानी सती मंदिर से प्रारंभ की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य दादी जी का घर घर प्रचार करना है, घर घर प्रचार करना है, एवं जो दादी जी झुंझुनू नहीं जा पाते हैं वो दिव्य रूप में दादी दिव्य ज्योत के रूप में दादी जी का दर्शन करवाना है। इस क्रम में यात्रा के इस क्रम में हम जब पुरुलिया शहर पहुँचे, यहाँ का भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं एवं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्री भक्तवृंद पुरुलिया के भक्तवृंद को मैं आमंत्रित करता हूँ। एक स्मृति चिन्ह प्रदान करूंगा, प्रकाश देने की बोलिए रानी सती दादी की जय। फोटो तो आया, तुम लोग बोलते नहीं दिया, ऐसा कैसे बोलते।
पूरा घूमो पूरा इस साइड घूमो ज्योति जगह दे बोलिए रानी सरसिदादी की मोटी सेठानी की अभी आप इस सवा मायना की यात्रा में अपनी सेवा निशुल्क दे रहे हैं ये आपको जानकर हर्ष होगा। श्री संजय जी शर्मा संजय भैया जहाँ कहीं भी हो संजय भैया कृपया मंड के सामने आ जाए संजय भैया जहाँ भी हो दो तारीख से अभी तक संजय जी जो हमारे साथ आपको भजनों के माध्यम से दादी निशुल्क सेवा हमें प्रदान कर रहे हैं उनका ताली बजा करके सम्मान करें जय दादी की। मैं दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि वो संजय जी शर्मा का सम्मान करे दुपट्टा उड़ाकर। संजय जी शर्मा इस यात्रा के दरमियान एक प्रतिज्ञा और लिए है कि वो भारत के किसी भी मंदिर में निशुल्क महीने में एक बार मंगल पाठ करेंगे। जिनको भी मंगल पाठ करवाना है वो हमारे फेडरेशन से किंबा संजय शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। जय दादी की। भक्तवृंद एवं श्री दादी परिवार श्री रानी सती फाउंडेशन कलकत्ता का बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने श्री दिव्य ज्योत का हमको पुरुलियावासी को अनोखा दर्शन करवाया। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से दुपट्टा उड़ा के हम सम्मान करेंगे। अजीत भैया अजीत भैया श्री रमेश जी अग्रवाल रमेश भैया श्री रानी सती फाउंडेशन के अभिन्न अंग एवं कर्ता धर्ता श्री कैलाश जी कैयाल को दुपट्टा उड़ा के सम्मानित करें कृपया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं श्री राजेश राजगढ़िया का अनुग्रह करूंगा कि इनके दूसरे सूत्रधार श्री चंद्र प्रकाश जी तुलसियान का सम्मान करें। चंदू भैया जहां भी हो मंड के सामने आएंगे दुपट्टा उड़ा के जोरदार तालियों से कृपया तालियों की जरूरत। कानोड़िया जी अब मैं चाहता हूँ ज्योति झुंझुनवाला ज्योति जी जहाँ भी हो मंड के श्री रानी सती फाउंडेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य श्री ज्योति झुंझुनवाला को दुपट्टे से सम्मानित करेंगे। ज्योति भी आटी ने घूमर करो राजू भैया बोलिए सच्चे दरबार की। ले लियो ये बदमाश अरे कृपया सम्मान का काम फटाफट करें। और कौन श्री कांता लोहारुवाल जोरदार स्वागत किसी अब आजा फोटो ले ले जय
दादी आई है, दादी ये सोच कर आई है कि आज ये दिव्य ज्योत मेरे बच्चों के घर में भ्रमण करती हुई जा रही है और कल जब मैं झुंझुनू वापस जाकर बैठूंगी तो मेरे बच्चे उसी उत्साह के साथ मेरा दर्शन करने के लिए झुंझुनू आएंगे। बस यही उद्देश्य रानी सती फाउंडेशन का है। रानी सती फाउंडेशन यही चाहती है कि दादी जी के भक्त एक दूसरे से जुड़े रहे और दादी परिवार निरंतर बढ़ता रहे और आने वाले दिनों में दादी का परचम पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहराए, ऐसी कामना ऐसी भावना सभी दादी परिवार के भक्तों की है। आप सबका साथ है, हमारा उत्साह है, आपके उत्साह से हमारा मनोबल है, ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता जाए और दादी की सेना यूं ही चलती जाए। बोल रानी सती दादी की, बोलिए अखंड ज्योत।